Hey guys, it's Mantan here. Welcome back to another video. So guys, आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है। जो मेरे नॉर्मल व्लॉग्स और वीडियोज रहते हैं डेली के, वो टाइप के नहीं। आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है बिकॉज डूड आज मेरा है बर्थडे। और डूड सीरियसली मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा बर्थडे ऐसे जाने वाला है क्वारंटाइन में। तो डूड कोई भी बात नहीं, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है बिकॉज डूड बर्थडे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मेन आप इम्पोर्टेंट हो बिकॉज डूड अगर ये तो प्रूव हो चुका है कि दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे स्टेट में, ऑल इंडिया में। ऑल डूड इंडिया टॉप 3 में आ रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट में। सिंपल इस टाइप दुनिया को बोलने का टाइम ख़त्म हुआ, अभी हमको करने गया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, खुद मास्क पहनो, दूसरों को बोलना बंद करो अभी। बिकॉज डूड हर एक को अभी समझ आ चुकी है, डॉक्टर ने बोल दिया, पुलिस ने भी बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया, काउंसलर ने बोल दिया, सब ने बोल दिया। डूड अभी हर कोई को एक अक्कल आ चुकी है, अभी डूड अपने खुद को समझने गए। तो डूड मत करो डूड, बिकॉज क्यों मालूम है अभी कैसा मालूम है, अपने को एक ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है। अपने को यह लगता है कि हज़ारों में एक को हो रहा है ना, मैं तो नहीं उसमें, मैं तो बच रहा हूँ, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो बहुत गलत है। बिकॉज जो बोलते हैं डूड, जो कोरोना वायरस है वो डूड श्रीमंत नहीं देखता कि गरीब को होता है और जो अमीर लोग हैं उनको नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस हर किसी को भी हो सकता है, तो बहुत बोलते हैं ना डूड अभी तो जो पेशेंट है उन लोग को, जो कोरोना पेशेंट हो रहे हैं उन लोग को डूड बेड भी नहीं मिल रहा बिकॉज चार्जेस भी उसके हायर है। आपके पास पैसे भी रहेंगे तो भी डूड आपको बेड नहीं मिल रहा है, तो चार्जेस भी उसके हायर है। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो जाने वाला इंसान चला जाता है, देखो लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है वो सीधा घर वालों पे आती है। जो घर वाले उनके उनको परेशान होना पड़ता है, फाइनेंशियली मेंटली बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस इज़ हमें बीमार नहीं पड़ने का, हम खुद को सेफ कर रखेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनो, और जो डॉक्टरों ने और जो WHO ने जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करो, सो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और मेन थिंग इज़ मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि आपको रास्ते पे कोई भी स्ट्रीट डॉग नहीं तो एनिमल दिखे तो उसको हेल्प करो। बिकॉज डूड इंसान जो है वो अपने दो टाइम का रोटी का इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जो डॉग्स है स्ट्रीट डॉग है उन लोग के पास डूड खोई नहीं, तो डूड उन लोग को हेल्प करो। और काम ऐसा करो ना कि आप एक हाथ से कर रहे हैं ना तो दूसरे हाथ को मालूम भी नहीं पड़ना होता कि आप क्या कर रहे हो, तो वो करो। बिकॉज मैंने बीच में भी बोला था कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर भी थे जो ये सब के ऊपर खाना देना एंड ऑल वीडियो बना रहे थे, तो फिलहाल तो अभी कम है, अभी तो मुझे नहीं दिख रहे। तो अच्छी बात है डूड, काम ऐसा करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना होता। तो ये आज इम्पोर्टेंट बात करनी थी। और डूड आज मेरा बर्थडे है, तो लास्ट टाइम तो हमने बहुत मचाया था लेकिन इस बार कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। और एक डूड मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे ना विदाउट फ्रेंड्स लाइफ कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज मुझे मालूम है मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ों में गया था, गलत चीज़ों में गया था, तब भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने वहाँ से निकाला था। और मेरे फ्रेंड्स अभी भी मेरे साथ थे, ओके डूड मुझे कभी नहीं छोड़ा था, तो तभी से मैं मेरे फ्रेंड्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डूड फ्रेंड्स होना लाइफ में अच्छी बात है। कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं ना अच्छे भी रहते और बुरे भी रहते हैं, जो बुरे रहते हैं उन लोग के पास देखो मत, ठीक है बुरे तो बुरे क्या बोलेंगे हम, बुरे तो बुरे फ्रेंड्स से भी डूड कुछ तो सीखना मिलता है कि लाइफ एक्चुअल जो बोलते हैं ना एक्चुअल लाइफ उधर से स्टार्ट होती है। आपका फ्रेंड्स कोई बुरे है जो आपके पीछे पीछे कुछ बोलता है तो तब भी से एक लाइफ में एक्सपीरियंस आता है कि हाँ डूड लाइक लाइफ ऐसी भी होती है। तो कुछ नहीं डूड, अगर आपके फ्रेंड जोन में कोई भी बुरा फ्रेंड है तो डूड इग्नोर मारो, बाकी कुछ नहीं अपना काम करते रहो। तो ये था आज के वीडियो में, सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और डूड मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे मेहनत करना स्टार्ट की है, तो नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना। सो बाय, टेक केयर, सेफ रहो और डूड मचाते रहो। बाय।